हेलो, हाय एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी क्लास 11th 12th, जहां पर हम एनसीईआरटी कर रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल? जस्ट अ सेकेंड। हाय हाय एवरीवन। हेलो, हाय विपिन, हाय परमार, कैसे हैं सब? ऑल गुड? अगेन इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकेंड। हाय राजेश, चलो जल्दी से बता दो कैसे हो सब, देन वी स्टार्ट द टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से। हाय हाय पुलकित, हाय राजेश, ऑल गुड? हाय परमार, ऑल वेल? चलो सही है सही है। चलो लेट्स स्टार्ट देन। रेडी एवरीबॉडी? थैंक यू सो मच पुलकित। चलो टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी। ओके पीपल, दैट्स माय डिटेल्स, अ लिटिल डिटेल्स। हाय, आई एम साक्षी पहुजा, योर मास्टर टीचर फॉर केमिस्ट्री। ऑफ कोर्स आई हैव बीन टीचिंग सिंस 6 years इन दिस फील्ड, दैट इज आई वॉज इन वन ऑफ द टॉप जेई इंस्टीट्यूट बिफोर दिस। ठीक है, एंड इट्स बीन एन अमेजिंग अमेजिंग जर्नी। ठीक है, एंड आई हैव टॉट सो मैनी स्टूडेंट्स एंड इट्स बीन सो अमेजिंग। ओके चलो स्टार्ट। एवरीबडी रेडी? आ गए सब लोग? शुरू करें? शुरू करें अंताक्षरी। हेलो एवरीवन, हाय हाय। सो दोस्त हु हैवंट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, दिस इज द लिंक, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन इट। ठीक है, बिकॉज द पीडीएफ एंड द इंटरक्शन दे कीप हैपनिंग देयर, तो इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड दोस्त हु हैवंट सब्सक्राइब, न्यू पीपल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग चैनल। ठीक है, सो दैट यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन अबाउट द अपकमिंग सेशन। जो भी सेशन आने वाले हैं, ठीक है, उनका कोई नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करो। दैट इज वाई यू आर सपोज टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। ठीक है, ओके। सो अबाउट द वी क्विज पीपल, वी आर ब्रिंगिंग अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दैट इज टू एक्चुअली बी ऑन द हॉट सीट एंड मीट मिस्टर अमिताभ बच्चन। ऑल यू हैव टू डू इज टू डाउनलोड द वेदांतु ऐप। वेदांतु ऐप डाउनलोड कर लो एंड देन यू हैव टू प्ले वी क्विज फ्रॉम 5th October टू 18th October। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, 5 से 18 तक आपको ये क्विज खेलना है एंड यू माइट बी सेलेक्टेड एंड यू माइट गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली बी ऑन द हॉट सीट। ठीक है, एक्साइटिंग ना, है ना? कौन कौन खेल रहा है? अच्छा ये बताओ कौन कौन खेल रहा है ये क्विज? Everybody is playing? Okay, very good, very good, very good. Okay, so people, you all must be preparing for JEE or NEET and you have got to take it very, very seriously. ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉइंट, हर पॉइंट पे टीचर का गाइडेंस मिलना। ठीक है, देन द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज डाउट्स क्लेरिफिकेशन एंड येट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता होगा कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक नहीं लेनी, कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से नहीं करने। ठीक है, सो पीपल फॉर दैट देयर इज अ कोर्स दैट इज कॉल्ड प्रो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, व्हाट यू दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रो सब्सक्रिप्शन। फुल एक्सेस टू ऑल लाइव क्लासेस, मतलब हमेशा लाइव क्लास, सिर्फ लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग क्लास कभी भी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हो जाता है, रिकॉर्डेड होती है, लेकिन वहां पे सिर्फ लाइव क्लास होगी। ठीक है, देन इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग, इट मीन्स दैट इन एवरी क्लास वी हैव अ नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, एंड देर आर सम टीचर्स हु विल जस्ट बी टेकिंग योर डाउट्स एंड दे आर कॉल्ड क्लास टीचर्स। ठीक है, देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्स क्या होता है? अलॉन्ग विद योर मेन कोर्स देर विल बी चैप्टर वाइज कोर्स। ठीक है, कोई चैप्टर आपको पहले करना है, कोई चैप्टर करने का मन नहीं है, है ना? ऐसा भी होता है ना कई बार। ठीक है, तो आप उस चैप्टर के लिए बाद में कर सकते हो या पहले कर सकते हो, एज यू वॉन्ट। ठीक है, सो ऑल यू हैव टू डू इज द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक। ठीक है, देन चूज योर क्लास, चूज योर कोर्स, देन यूज दिस कूपन कोड सैप्रो इन ऑर्डर टू अवेल 20% डिस्काउंट। ठीक है, ये कूपन कोड यूज कर लेना है सैप्रो एंड यू विल बी गेटिंग दैट 20% डिस्काउंट। ठीक है, निखिल, हाय निखिल। बच्चे आज 11th की नहीं है, आज 12th की है ना? आज तो 12th है,
इट्स सैटरडे एंड ऑफ द डे। ठीक है, कल कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं हम। कल बहुत एक्साइटिंग कुछ होने वाला है। जनरल सा एक क्विज है, सरप्राइज आप लोगों के लिए, जिसमें बहुत एक्साइटिंग एक्साइटिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कल का सेशन भी मिस मत करना। ओके, सो टुडे वी हैव टू डू द टॉपिक ऑफ द डे इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। एक एक करके करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, देन वी मूव ऑन टू द डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, देन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज, पीपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। क्या होता है, एज वी डिड इन द प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज कर ली है कि व्हेन यू ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सपोज आई एम हैविंग दिस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है मेरे पास। ठीक है, मान लो वॉटर था। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब नाउ यू आर कन्वर्टिंग इट टू सॉल्यूशन, नाउ यू आर कन्वर्टिंग इट टू सॉल्यूशन। कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत सिंपल है। इसमें एक सॉल्यूट डाल दो, सपोज आई एम एडिंग सम शुगर टू इट। ठीक है, सपोज मैंने इसमें शुगर ऐड किया। ठीक है, देन होगा क्या, व्हाट डज शुगर मॉलिक्यूल डू, शुगर मॉलिक्यूल सिंस इट इज इटसेल्फ नॉन वॉलेटाइल सो इट विल नॉट वेपराइज, राइट। ठीक है, इट विल इटसेल्फ नॉट वेपराइज बट ऑल्सो इट विल इंटरफेयर विद द वॉटर मॉलिक्यूल्स दैट आर गोइंग इन टू वेपर्स। ठीक है, तो होता क्या है, वाटर का वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी से बताओ। हाय लक्ष्य जाट, वाटर का जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से, कमान कमान, ये हमने बहुत बार कर लिया है अभी। ठीक है, द वेपराइजिंग टेंडेंसी ऑफ वाटर, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज और इट विल रिमेन सेम, क्या होगा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा, कम होगा या ज्यादा होगा, एवरीबडी एवरीबडी, कम हो जाएगा, राइट, इट विल डिक्रीज। ठीक है, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, पहली चीज, ये हमने पहले भी किया था, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज व्हेन यू ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्यूशन सॉल्वेंट। यस 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 एग्जैक्टली पर्ल सिंह दिव्या, इट विल डिक्रीज, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। देन सिंपल सी चीज है बच्चे, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, याद है ये, यस और नो, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम, रिमेंबर दिस थिंग, है ना, ये बताया था मैंने। ठीक है, सो इफ वेपर प्रेशर इज डिक्रीजिंग देन व्हाट विल हैपन टू बॉइलिंग पॉइंट, वेरी सिंपल, वॉट विल हैपन टू बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी से बता दो, बॉइलिंग पॉइंट विल इनक्रीज। ठीक है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट वॉटर का कितना होता है, प्योर वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, एज यू ऑल नो इट, इट्स 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। लेकिन यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इट विल बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, इट डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट यू हैव एडेड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड द रीजन ऑफ दिस इज दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिक्रीज बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, दैट इज वाई इट्स क्या कहते हैं, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बिकॉज इट हैज टू बी हीटेड मोर इन ऑर्डर टू मेक इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा उसे। कनिष्का, बेस्ट बुक इज एनसीईआरटी, बच्चे एनसीईआरटी, जेई एडवांस्ड के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से आ जाते हैं, दैट इज वॉट वी आर डूइंग हियर, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ठीक है, आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ द थिंग कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर हो जाए यहाँ पे, सो दैट व्हेन यू रीड एनसीईआरटी यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते हैं फटाफट, देखो आप लोगों को मेरे को फटाफट बताना है बच्चे, जल्दी से। सपोज यहाँ पर हमने वॉटर लिया है, दिस इज नथिंग बट प्योर वॉटर। ठीक है, तो ये जो आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे टेडी बेयर्स, दे आर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बेसिकली। ठीक है, ये क्यूट से टेडी, जो भी, व्हाटएवर यू कॉल इट, दीज आर द सॉल्यूट्स। ठीक है, देन व्हाट आई हैव डन इज, व्हाट आई हैव डन इज, व्हाट आई एम डूइंग इज, दूसरी बार मैंने क्या किया, सॉल्वेंट तो था मेरे पास यानी कि वॉटर, उसमें मैंने ऐड कर दिया है, जो ऊपर किया था भाई, उसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा शुगर, शुगर ऐड कर दिया, दिस इज शुगर। ठीक है, NaCl भी ऐड कर सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। नाउ इट बिकम्स द शुगर सॉल्यूशन, नाउ व्हाट इज इट, इट बिकम्स द शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, एक चीज ये करी, अब मेरे को बताओ ये जो प्योर वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, जल्दी से बता दो, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर वाटर, अभी बताया था मैंने, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आप एक और चीज बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाता है, आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द लास्ट क्लास, एट बॉइलिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस विल इक्वल टू व्हाट,
इट हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? एक्सटर्नल प्रेशर. एक्सटर्नल प्रेशर. अब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है हमारा? 1 atm या फिर 1 bar. ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पीपल द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इट इज 1 atm. दैट इज व्हाई 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. दैट इज व्हेन अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, अब देखो बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे ले लिया मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस पे, सेम टेम्परेचर पे ले लिया. क्या इसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे 1 atm होगा, ये बताओ मेरे को. ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या इसका वेपर प्रेशर 1 atm होगा, जल्दी से बता दो, होगा या नहीं? 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 सेम टेम्परेचर लिया ना हमने, 1 atm होगा इस सॉल्यूशन का प्रेशर, वेपर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि आपने इसमें सॉल्यूट ऐड कर रखा है. ठीक है, सो वेपर प्रेशर विल बी लेसर देन 1 atm. ठीक है, सो व्हाट एम आई सपोज टू डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स वेपर प्रेशर टू 1 atm? क्या करूं बच्चे ये बताओ, व्हाट एम आई सपोज टू डू इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन टू 1 atm और एक्सटर्नल प्रेशर? व्हाट डू आई डू? व्हाट वुड यू डू? Heat it, of course, increase the temperature. Yes, exactly, exactly. So I go on heating it, and somewhere around 108 degree Celsius, its vapor pressure finally becomes equal to, we are talking about solution here, okay? Its vapor pressure finally becomes equal to what? 1 atm. The vapor pressure finally becomes equal to 1 atm. ठीक है, now what is the boiling point of this solution? Boiling point को क्या बोलेंगे बताओ? Hi राजू पटेल, boiling point को क्या बोलेंगे? Boiling point is the temperature when vapor pressure of the substance becomes 1 atm. So this will be the boiling point of the solution, right? This will be called the boiling point of the solution. Right? Yes, yes, exactly, exactly. Very good, very good. So clearly, by this example, clearly you can see that the boiling point of pure solvent was 100 degree Celsius and the boiling point of solution is 108 ho gaya ye to. Theek hai, so it has increased, right? That is why it is called, the boiling point is always increases when you add a non-volatile solute to a solvent. Theek hai, what is the increase bachche, kitna increase hua hai, jaldi se bata do. What is the increase? It's 8 degree Celsius. 8 degree Celsius or 8 Kelvin. ठीक है, you can take it in any. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. 8, yes, exactly. Now we understand it by graphically. Same चीज को हमें graphically समझना है. बस फिर तो हो ही गया. ठीक है, सर उससे पहले बच्चे हम क्या कर रहे हैं? Graph बना रहे हैं. देखो किसका किसका? Vapor pressure of a liquid, any liquid versus temperature. Okay, now you people tell me, with increase in temperature, vapor pressure पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Will it increase, will it decrease, or it will remain the same? क्या फर्क पड़ेगा जल्दी से बता दो. Vapor pressure, temperature बढ़ा रहे हो, vapor pressure of a liquid क्या होगा? Increase या decrease? Yes, राजू पटेल, बच्चे केल्विन में लेना मैंडेटरी. बच्चे डिफरेंस तो सेम ही आएगा, देखो केल्विन में नहीं लो, जैसे मर्जी लो, डिफरेंस सेम ही आएगा, तो जैसे मर्जी ले लो. हाँ, यूनिट केल्विन में लो, सही है, बढ़िया है, क्योंकि ऐसा ही यूनिट यही है ना. ठीक है, तो केल्विन में ही लो, सही है. ठीक है, बट अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है, डिफरेंस तो सेम ही हो जाता है ना बच्चे, तो डिफरेंस तो वहीं से निकाल सकते हो आप. डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर सेम रहेगा, 8 डिग्री सेल्सियस 8 केल्विन, जैसे मर्जी लिख लो इसको, जैसे मर्जी, डिफरेंस सेम रहेगा. Increase, right? It will increase. Of course, it will increase. ठीक है, so we will get a graph, बच्चे something of this sort. ऐसा एक graph आ जाता है. ठीक है, clearly it is, this graph is showing you that vapor pressure is directly proportional to temperature. ठीक है, vapor pressure is directly proportional to temperature. ठीक है, अब ये मान लो, ये जो मैंने graph बनाया, this is for, hi Puneet, hi, this is for what? This is for pure solvent. मान लेते हैं ये जो मैंने ग्राफ बनाया, दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, राइट? ठीक है, इंक्रीज करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा. वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, सब्सटेंस आप एनर्जी दे रहे हो, हीट कर रहे हो, द मॉलिक्यूल्स विल गेन एनर्जी एंड दे विल ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट वॉज प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड दे विल गो इन टू द गैस, दे विल एस्केप इन टू द गैस. सो दैट इज वाई द वेपर प्रेशर विल इंक्रीज. ठीक है, समझ गए इस बात को? Yes, राजू पटेल, exactly. Hi ओम,
हाय ठीक है ओके नाउ सपोज वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ फॉर सॉल्यूशन। बच्चे सॉल्यूशन के लिए बताओगे क्या होगा? सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ है वो कहाँ आएगा, कौन बताएगा? जल्दी से बता दूँ, ऐसा नहीं है कि देख के बताना है, एनसीईआरटी खुली हुई है और देख के बता दिया। व्हाई इज इट नॉट बीइंग क्लिक्ड? देख के नहीं बताना सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कहाँ आएगा। चलो मैंने एक काम करते हैं, कोई एक टेम्परेचर ले लेते हैं। सपोज मैंने एक कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर ये वाला ले लिया, इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कुछ इतना है ना, यहाँ पे है कहीं, है ना? ठीक है, इसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, इससे कम या इससे ज्यादा? ये मान लो, कुछ मान लो ये 0.1 atm है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चे, कम या ज्यादा? जल्दी से बता दो। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इससे कम होगा इसी टेम्परेचर पे या इससे ज्यादा होगा? कम होगा, कम होगा बच्चे, कम होगा, कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है व्हेन यू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू इट, अभी मैंने पीछे बताया था। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहीं इसी टेम्परेचर पे कहीं, अच्छा दूसरा दूसरा कलर ले लेते हैं अभी, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो यही कहीं यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली किसी और टेम्परेचर पे देखो तो उसके नीचे कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे वाले टेम्परेचर पे देखो तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, विच इज लाइंग बिलो द ग्राफ फॉर द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब बच्चे आप कोई भी टेम्परेचर ले लो, मान लो मैंने कहाँ गया पॉइंटर, ये रहा, ये टेम्परेचर लिया। सपोज आई हैव टेकन दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, इस टेम्परेचर पे देखो प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो इतना है, लेकिन सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो इतना है कुछ, मतलब यहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, सो द ग्राफ विल बी लाइंग बिलो द ग्राफ ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, बिहाइंड, यू कैन से बिहाइंड द ग्राफ ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन का ग्राफ ये हो गया, ये बात समझ गए, ये बात तो क्लियर है सबको। ठीक है, नाउ हाउ डू वी गेट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीज कैसे निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, यहाँ पर बस बच्चे वही डेफिनेशन यूज कर लो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 atm। ठीक है, तो आपको वेपर प्रेशर को बढ़ाते बढ़ाते 1 atm तक लेके जाना है, जिस टेम्परेचर पे 1 atm तक पहुंच गए आप वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो सेम थिंग, दिस इज द कर्व फॉर द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट अभी बनाया था मैंने पीछे। ठीक है, और यहाँ पे इस टेम्परेचर पे कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है देखो वो 1 atm हो गया, है ना, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 1 atm हो गया। सो दिस टेम्परेचर, दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर विल बी कॉल्ड वॉट? दिस विल बी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट? दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकम्स 1 atm। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय TB0। बच्चे नॉट का मतलब है प्योर, रिमेम्बर P0 जो होता था वो प्योर होता था, मतलब प्योर सब्सटेंस का प्रेशर होता था, वेपर प्रेशर होता था। वही से जो ये नॉट है, सिमिलर टू दैट, नॉट मीन्स प्योर थिंग। ठीक है, नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन, अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन का ग्राफ मैंने अभी बनाया था, सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे आ रहा था, बिहाइंड द सॉल्वेंट, राइट? ठीक है, तो अब इसका वेपर प्रेशर भी आपको क्या करना है, 1 atm, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी ना। सो इन ऑर्डर टू बॉइल इट यू हैव टू मेक इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू 1 atm, तो ले जाओ इसको 1 atm तक, एंड दिस इज यहाँ पर 1 atm हो गया। ठीक है, लेकिन द कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज हायर, कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज हायर। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड वी डिनोट इट बाय TB। ठीक है, एंड वी डिनोटेड बाय TB। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर हैज शिफ्टेड इन द राइट डायरेक्शन, इट मींस दैट टेम्परेचर हैज इंक्रीज, सो दैट इज व्हाई वी से, दैट इज व्हाई वी कॉल इट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एंड पीपल इट इज डिनोटेड बाय ΔTB, इसको टीबी से, ΔTB से डिनोट करेंगे। ठीक है, ΔTB को क्या क्या लिख सकते हो आप? ओके जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट चेंज द कलर हियर। ओके, ΔTB क्या है, ΔTB इट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ कोर्स. ठीक है, क्या होगा डेल्टा टी बी यहां से? सिंपली डेल्टा टी बी विल बी टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी माइनस टी बी नॉट. ठीक है, तो आपको टी बी या टी बी नॉट अगर पता है तो डेल्टा टी बी आ जाएगा. ठीक है, इतनी बात समझ गए, ये तो क्लियर है सबको. ठीक है, नाउ हाउ डू वी रिलेट डेल्टा टी बी टू द सॉल्यूट पार्टिकल्स? इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, वी आर डूइंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो इट मस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. दैट इज वॉट इट इज. इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट डेल्टा टी बी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. अब आप मेरे को बताओ मोलैलिटी क्या होता है, जल्दी से बता दो. व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या होगी, सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होती है? दिस इज नॉट मोलैलिटी, दिस इज नॉट मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोलैलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर? नो दिव्या, नहीं नहीं नहीं, कुछ और होता है, कुछ और होता है, जल्दी से. ओके, टेल मी. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. यस, वेरी गुड पर्ल सिंह, वेल डन वेल डन. मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी, यस यस. नहीं नहीं वॉल्यूम नहीं बचे, वॉल्यूम नहीं होगा. अच्छा एक बात बताओ, मतलब द क्वेश्चन अवे फ्रॉम द, आई एम गोइंग अ लिटल अवे फ्रॉम द टॉपिक. ठीक है, टॉपिक को छोड़ो, एक चीज बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू वुड वॉन्ट की ऑर्गेनिक पहले करवाई जाए? हाउ मेनी ऑफ यू वुड वॉन्ट दैट कि ऑर्गेनिक पहले करवा दो? ऑर्गेनिक स्कूल में हुई नहीं होगी अभी आपके, है ना? एंड ऑर्गेनिक इज द मेन, मतलब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्वेल्थ. ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ में जेई में भी ऑर्गेनिक, नीट में भी ऑर्गेनिक और एनसीईआरटी तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी तो करनी करनी है. ठीक है, ओके 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 ओके, सही है सही है सही है. चलो थम्सअप देना है सबने. एवरीबडी हु अग्रीज टू मी विल सेंड अ थम्सअप इन द चैट. मतलब यू पीपल वॉन्ट टू गेट केमिस्ट्रिकल ऑर्गेनिकली, है ना? ऑर्गेनिकली केमिस्ट्रिकल होना है आप लोगों को. ओके 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 ओके, चलो सही है. ठीक है सही है. आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल लुक फॉर अ सरप्राइज फॉर यू पीपल. आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया जाएगा. ठीक है, ओके, देखते हैं पक्का. कंसिडर्ड बच्चे, कंसिडर्ड योर पॉइंट, कंसिडर्ड. आई वॉज माई सेल्फ थिंकिंग अबाउट इट कि ऑर्गेनिक बहुत टाइम के बाद आता है स्कूल में, बट ऑर्गेनिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दैट इज आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट. देखते हैं, आई विल टेल यू अबाउट इट. ठीक है, ओके, सो इट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट दैट टू इन केजी, दैट टू इन केजी. रिमेंबर दिस थिंग बच्चे, मास ऑफ द सॉल्वेंट लेना है. ठीक है, मोलालिटी ना अलग है सबसे, सबसे डिफरेंट, यूनिक सी है थोड़ी सी. ठीक है, इसमें आपको सॉल्वेंट लेना होता है, एक तो सॉल्यूशन नहीं, और मास लेना होता है केजी में. ठीक है, यूनिट्स क्या होंगी बच्चे? यूनिट्स बताओ क्या हो जाएंगी? अगर मैं यूनिट्स पूछूं आपसे मोलालिटी के, यूनिट्स क्या हो जाएंगी? ऊपर क्या आएगा? मोल. ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? केजी. सो इट्स मोल पर केजी, मोल्स पर केजी, दैट विल बी द यूनिट्स. ठीक है, नाउ व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तब क्या होता है? देन विल बी गेटिंग अ कॉन्स्टेंट दैट इज कॉल्ड केबी, केबी इंटू मोलालिटी. अब ये केबी क्या है बच्चे, इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड, इसका ये खतरनाक सा नाम है, एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रोनाउंस इट? एट माई टाइम आई रिमेम्बर आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिंग इट. कौन कौन इसको प्रोनाउंस कर लेता है, एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट? ट्राई सेइंग इट, मतलब आई कैन नॉट हियर यू बट स्टिल, एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, है ना? लिटिल डिफिकल्ट लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं है. या फिर इजी वाला नाम याद कर लो, इजी वाला नाम क्या है? मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट. ओके, सो एवरीबडी कैन डू इट. सही है सही है सही है. ठीक है, टंग ट्विस्टर टाइप का है ये, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट. यूनिट्स क्या होंगी? देखो बच्चे, इसकी यूनिट्स निकाल सकते हैं हम सिंपल. के बी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी अपॉन एम, राइट? अब डेल्टा टी बी की यूनिट क्या होती है? केल्विन, या फिर डिग्री सेल्सियस. केल्विन ले लो, डिग्री सेल्सियस ले लो. और मोलालिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी, मोल पर केजी. केजी ऊपर चला जाएगा,
सो दिस विल बी कैल्विन केजी पर मोल, कैल्विन केजी पर मोल, ठीक है, कैल्विन केजी पर मोल, ठीक है। हाय नम्रता, ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है बच्चे? आगे चलें, जल्दी से बता दो, जल्दी से, देन वी मूव ऑन। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, चलो लेट्स मूव ऑन। अब इसको थोड़ा सा आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, याद मत रखना इस चीज को, ये बच्चे उसी टाइम कर सकते हो आप। के बी इंटू मोलालिटी है ना, मोलालिटी क्या है, मोलालिटी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, मतलब यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फॉर्मूला, इसे यहां तक आराम से पहुंच सकते हो आप। अपॉन क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट विच हैज टू बी इन केजी, मास ऑफ द सॉल्वेंट विच हैज टू बी इन केजी। नाउ पीपल लेट अस सपोज डब्ल्यू टू इज द मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू टू हमें दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इन ग्राम ऑफ कोर्स, ठीक है। एम टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब टू से हम सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं, टू इज फॉर द सॉल्यूट, ठीक है, एंड वन विल बी फॉर द सॉल्वेंट, ठीक है। सो डब्ल्यू वन क्या है, मास ऑफ द क्या कहते हैं इसको, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड इट इज ऑल्सो गिवन इन ग्राम, इसको भी हमने किसमें दिया है, ग्राम में, ठीक है। नाउ व्हाट विल यू राइट, मोलालिटी देखो क्या लिखेंगे, मोलालिटी पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सो मोलालिटी विल बी व्हाट, इट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, एंड इट हैज टू बी इन केजी, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड कर दोगे 1000 से, एंड दिस 1000 विल कम हियर, इजंट इट, ठीक है, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। व्हेन यू पुट ऑल दिस देयर, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी विल बिकम व्हाट, डेल्टा टी बी विल बिकम के बी इन टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, राइट, इन टू डब्ल्यू वन इन टू 1000, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1000, ठीक है। सो ये चीज भी यूज कर सकते हो, सिंपल मैंने चेंज किया है बस और कुछ नहीं, ठीक है। सो इफ यू नो द वैल्यू ऑफ के बी, यू नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बी, एंड यू नो डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू वन, देन यू कैन कैलकुलेट एम टू, दैट इज द मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, एम टू निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, मतलब जो भी चीज गिवन नहीं है वो आराम से निकाल सकते हो यहाँ से, राइट। गॉट दिस थिंग बच्चे, गॉट इट एवरीबडी, ऑल गुड, गुड टू मूव, गुड टू मूव ऑन, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन वेल डन, सही है सही है, गुड गुड गुड, चलिए आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन कर दो फटाफट से, क्वेश्चन कर दो बच्चे, बस फटाफट, इसके बाद मेंटी करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन कर दो फटाफट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर एट 750 mmHg इज इतना, ठीक है। अब हमने बच्चे एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर 750 mmHg है यहाँ पे, ठीक है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वॉटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतने प्रेशर पे आपको 100 डिग्री सेल्सियस करना है, ठीक है, तो आपको कितना अमाउंट सुक्रोज का एड करना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि डब्ल्यू टू इज द अमाउंट ऑफ सुक्रोज, डब्ल्यू टू ग्राम इज टू बी एडेड, इज एडेड, ठीक है, ओके। मोलालिटी निकाल लो पहले, मोलालिटी क्या होगी, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास बताओ बच्चे, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, जल्दी से जल्दी से, सुक्रोज का फॉर्मूला पता है, बहुत सिंपल सा है, C12H22O11, है ना, मॉलिक्यूलर मास बता दो जल्दी से, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज, 3 समथिंग होता है वैसे, 12 × 12 हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 11 × 16, दिस विल बी 176, राइट, सो इट्स 144, 166 प्लस 176, है ना, ठीक है, 360, वेरी गुड वेरी गुड, सो इट विल बी डब्ल्यू टू अपॉन 360, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 500 ग्राम, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टीबी देखो कितना है, हाउ मच इज डेल्टा टीबी पीपल, जल्दी से बताओ डेल्टा टीबी कितना है, 100 − 99.63, राइट, ठीक है, कितना आ रहा है देखो, ये इसको बच्चे डिग्री सेल्सियस में ही रख लो, चाहे आंसर आपका केल्विन या डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस सेम रहता है ना, नो मैटर व्हाट यूनिट ऑफ टेम्परेचर यू टेक, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, द डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स विल रिमेन सेम, मैथमेटिक्स,
The difference in temperature will remain same, which is coming out to be 0.37. Very good, very good. ठीक है, अगर आप इसको केल्विन में करते तो भी यही होता. केल्विन में करने के लिए क्या करना होता है, 273 ऐड करना होता है, तो भी बच्चे यही आता, तो भी यही आ जाता है ना, 0.37. ठीक है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, डिफरेंस सेम रहता है. ओके, सो व्हाट एल्स वी हैव टू डू, कुछ नहीं, अब तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल्स टू केबी इनटू एम. केबी कितना होता है बच्चे, केबी यहाँ दिया नहीं, आई गेट आई थिंक दे फॉर गॉट गिविंग केबी. वॉटर के लिए केबी कितना होता है, आई रिमेम्बर द वैल्यू बट नाउ आई फॉर गॉट, इट इज नॉट गिवन हेयर. इट्स 4 point something. ठीक है, 4 point something आई गेस, 5 point something, पता नहीं 4 point something. 5 होता है 4 होता है. ओ सॉरी 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 राइट 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 राजू राइट राजू पटेल वेरी गुड. ठीक है, तो डिफरेंस सेम रहेगा वैसे, दैट्स व्हाट आई मेंट. ठीक है, तो यहां से बचे डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई 0.37. केबी की वैल्यू एनसीईआरटी में गिवन होगी, देख लेना, आई डोंट रिमेम्बर इट. ठीक है, मोलालिटी जो हमने निकाली, W2 × 1000 / 360 × 500. ठीक है, केबी की वैल्यू गिवन होगी, वहां से देख लेना. यहाँ पर छूट गया, केबी की वैल्यू छूट गई यहाँ पर क्वेश्चन में ना. ठीक है, तो W2 निकाल लेना, वन इक्वेशन वन वेरिएबल, दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट W2 एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल था ये. चलिए आगे चलते हैं. 1.11 kg इट इज. ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज, माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है 0.52. ओके 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 परमार, थैंक यू सो मच यार. केबी है 0.52 बचे, 0.52. ठीक है, तो 0.52 यहां पर पुट कर लेना. यस यस, इट्स इजी, केबी की वैल्यू पुट कर देनी है 0.52 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W2 विच विल कम आउट टू बी 1.11 kg. ठीक है, नाउ कम्स डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बाद करेंगे मेंटी. ठीक है, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एनी आइडिया? चलो आप लोग पहले बताओ मेरे को, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू इन योर डेफिनेशन, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? वॉटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज 0 degree Celsius, या 0 degree Celsius है ना, 0. यस यस यस, 0 0 0. सो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन लिक्विड ऑफ अ लिक्विड फेज ऑफ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड फेज. यस और नो, लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे, दैट टेम्परेचर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ गए, लिक्विड और सॉलिड जो है वो इक्विलिब्रियम में प्रेशर प्रेजेंट होंगे, सॉरी इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, लिक्विड एंड वेपर, लिक्विड एंड सॉलिड, दे विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम एट द फ्रीजिंग पॉइंट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. नाउ पीपल, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, जब लिक्विड और सॉलिड इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट हैं दोनों के दोनों, ठीक है, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर दोनों का हमने सेम लिया ना, दोनों 0 degree Celsius पे ही तो हैं, अगर वाटर की बात करो आप. ठीक है, जनरली अदरवाइज इट इज एनी फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर सेम नहीं हो जाएगा? वेपर प्रेशर रिमेंबर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑल्सो. ठीक है, सो यहां पर जो वेपर प्रेशर जो लिक्विड का होगा वही वेपर प्रेशर सॉलिड का हो जाएगा, सिंस दे आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट दैट वे दैट एट फ्रीजिंग पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑफ अ सब्सटेंस एंड सॉलिड फेज ऑफ अ सब्सटेंस दे बिकम इक्वल. The vapor pressure of liquid phase of the substance and solid phase of the substance, they become equal because liquid and solid, they are present in the equilibrium with each other. ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है, तो freezing point को ना बच्चे आप ये भी बोल सकते हो, freezing point is just the temperature at which you have to make the vapor pressure of liquid equal to the solid. ठीक है, आपको क्या करना है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको सॉलिड के इक्वल कर देना है और जो लिक्विड है वो फ्रीज कर जाएगा, दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड द वेपर सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ठीक है, एक चीज. अब देखो हम दूसरी चीज क्या कर रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल हियर पीपल, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं. देखो क्या किया, सपोज ये एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने वॉटर ले रखा है, दिस इज ओनली वॉटर हेयर. ठीक है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर. ठीक है,
नाउ एट फ्रीजिंग पॉइंट इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग, ठीक है, एंड इट विल स्टार्ट गोइंग इन टू सॉलिड, राइट? ठीक है, अब सॉलिड में होता क्या है, सॉलिड में द अरेंजमेंट इज मोर रेगुलर, द अरेंजमेंट इज मोर रेगुलर एंड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू वन अनदर, राइट? ठीक है, द मॉलिक्यूल्स दे कम क्लोज, दे फॉर्म द लैटिस और द क्रिस्टल एंड द सॉलिड इज फॉर्म्ड, राइट? ठीक है, सो दे अलाइन बेसिकली इन सॉलिड, दे आर अलाइंड सिमेट्रिकली, राइट? एंड दैट इज हाउ अ सॉलिड डिफर फ्रॉम द लिक्विड. ठीक है, ये हो गया सिंपल प्योर लिक्विड के लिए. लेकिन जब आपने सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब इसमें मान लो मैंने सुक्रोज ऐड कर दिया, ठीक है, ये वाटर था, सॉल्यूशन की बात कर रहे हो अभी आप, ठीक है, और आपने सॉल्यूशन बनाया है सुक्रोज का, तो आपने इसमें क्या ऐड कर दिया है, सुक्रोज, ठीक है, ये रेड रेड जो है सुक्रोज है. ठीक है, नाउ व्हाट विल सुक्रोज मॉलिक्यूल्स डू, दे विल क्लियरली इंटरफेयर इन द अलाइनमेंट ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे सॉलिडिफाई. ठीक है, जो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हैं जो बीच में प्रेजेंट है दिख रहा है, दे विल, व्हाट विल दे डू, दे विल क्रिएट हिंडरेंस और दे विल इंटरफेयर इन द अलाइनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे सॉलिडिफाई. यस और नो, ऐसा होगा या नहीं, ऐसा होगा या नहीं? हाँ, यस यस राजू पटेल, दिस विल हैपन और नॉट, जो बीच में प्रेजेंट है वो पंगे तो लेगा ना. जैसे मान लो आप फैमिली में बैठे हो, कोई बात कर रहे हो, कोई भी डिस्कशन कर रहे हो, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कि लड़की की शादी कब करनी है एंड ऑल एंड ऑल, ठीक है, लेकिन कोई बाहर का बंदा बैठा है तो वो बीच में बोलेगा तो सही, वो तो इंटरफेयर करेगा ही कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, है ना. सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, द सुक्रोज मॉलिक्यूल्स दे विल इंटरफेयर इन द सॉलिडिफिकेशन इन द अलाइनमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे सॉलिडिफाई. ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इवन लोअर द टेम्परेचर सो दैट द सॉलिडिफिकेशन अकर्स. ठीक है, यहाँ पर तो आराम से जो वाटर है वो सॉलिडिफाई हो रहा था, आराम से अलाइनमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सुक्रोज बीच में पंगे ले रहा है, बीच में प्रेजेंट है वो. ठीक है, तो सुक्रोज के पंगे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर इवन मोर, यू विल हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर इवन मोर इन ऑर्डर टू सॉलिडिफाई द वॉटर, इन ऑर्डर टू सॉलिडिफाई द सॉल्वेंट, इन ऑर्डर फॉर द सॉल्वेंट टू कम इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड. ठीक है, ये बात समझ गए बच्चे, ये बात क्लियर है सबको? सिद्धार्थ, पर्सनल सवाल नहीं, पर्सनल सवाल नहीं, सिर्फ टॉपिक वाला सवाल करना है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो ये अब आपको समझ आ गया थ्योरेटिकली, बच्चे ये समझ में आ जाए तो इजी हो जाता है बहुत. ठीक है, अब हम इसको समझते हैं ग्राफिकली. ग्राफिकली देखो, यहां से टेम्परेचर देखो बच्चे, ऑब्जर्व करो इसको, यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट आइस के साथ प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर सॉल्यूशन आइस के साथ प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो ये फ्रीजिंग कंडीशन हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया एक तरह से, लेकिन ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ, सॉल्यूशन का. ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ वो किसका हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसका है, सॉल्वेंट का. ठीक है, अब मेरे को बताओ थर्मोमीटर कहाँ पे टेम्परेचर कम दिखा रहा है, ये देखो ये यहाँ पे रेड रेड है ये सारा, और यहाँ पर जो रेड वाला पोर्शन है ये कम हो गया बच्चे. ठीक है, क्लियरली दिस फ्रीजिंग पॉइंट इज लेसर, दिस फ्रीजिंग पॉइंट इज लेसर, राइट, एंड दिस फ्रीजिंग पॉइंट इज मोर. ठीक है, तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा दिया है ना, एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया हमने, समझ गए. चलो अब इसको ग्राफिकली समझते हैं, देन वी आर डन, ग्राफिकली समझते हैं इसको. नाउ व्हाट हैपेंस इज, चलो मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाती हूँ आप लोगों को. मैंने अभी बच्चे आपको बताया था, जस्ट अभी बताया था कि वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर अ लिक्विड, राइट, लिक्विड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉलिड के लिए भी वैसे तो. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू गेट फॉर द लिक्विड. ठीक है, क्या दिखा रहा है ये ग्राफ, क्या दिखा रहा है बच्चे आपको, ये ग्राफ हमें ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं वेपर प्रेशर कम हो रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो वेपर प्रेशर कम भी तो हो रहा है. ठीक है, अब यही अगर प्लॉट मेरे को सॉलिड के लिए बनाना हो, तो यहाँ पे मान लो दिस इज द पॉइंट वेयर सॉलिड अपीयर्स, है ना, टेम्परेचर कम किया किसी पॉइंट पे तो सॉलिड आएगा, मान लो ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो यहाँ पे सॉलिड आ जाएगा. ठीक है, तो सॉलिड के लिए जो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है ना, वो ज्यादा डिक्रीज करता है, उसकी स्लोप मतलब ज्यादा कम होती है.
ठीक है, तो जो डिक्रीज है वो बहुत ज्यादा आएगा. दिस इज फॉर सॉलिड, दिस इज फॉर सॉलिड. ठीक है, टेम्परेचर कम कर रहे हो, वेपर प्रेशर क्लियरली कम हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज कर गया, एकदम से डिक्रीज कर गया, क्योंकि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड जिनका वेपर प्रेशर पहले ही कम होता है ना. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड जिनका वेपर प्रेशर पहले ही कम होता है, तो टेम्परेचर कम करोगे तो एकदम से कम हो जाएगा. ठीक है, नाउ पीपल सी एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट देखो, इजंट दिस द पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर इक्वल? इजंट दिस द पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर इक्वल? है ना, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड बिकॉज दे आर कंबाइनिंग, दे आर मीटिंग विद ईच अदर, राइट? सो दिस पॉइंट, दिस टेम्परेचर विल बी कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपको फ्रीज कैसे करना है, किसी भी चीज को फ्रीज कैसे करना है, टेम्परेचर कम करो, उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, कम होते होते जब वो वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, जब वो कर्व सॉलिड वाले कर्व को मीट कर जाएगा, सॉलिड टू वेपर वाले कर्व को मीट कर जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट. सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? चलिए अब देखो, अब तो बहुत इजी हो गया ये. अभी मैंने आपको बताया था जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है एंड द ग्राफ लाइज बिहाइंड, है ना, द ग्राफ फॉर द सॉल्यूशन, द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फॉर द सॉल्यूशन, इट लाइज बिहाइंड द लिक्विड सॉल्वेंट. ठीक है, वही चीज करो, वही करना है हमें, बिल्कुल वही चीज करनी है. क्या करो, ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर कम करते जाओ, करते गए वेपर प्रेशर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, एंड फाइनली एट दिस पॉइंट इट इज मीटिंग द सॉलिड लाइन, इट इज मीटिंग द सॉलिड लाइन, दैट इज एट दिस पॉइंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर विल बी कॉल्ड व्हाट, इसको क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और जो इसे पहले वाला है, पहले वाला जो लिक्विड सॉल्वेंट के लिए था, प्योर सॉल्वेंट के लिए था, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, ओके ओके, सो डिक्रीज इन कितना है बच्चे, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, जल्दी से बताओ, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? अभी टी एफ नॉट ज्यादा है आपके पास, तो दिस विल बी टी एफ नॉट माइनस टी एफ, डेल्टा टी एफ जो है इट विल बी टी एफ नॉट माइनस टी एफ, अगेन जैसे मर्जी ले लो इसको. ठीक है, हाय सोहम, हेलो, ओके, अगेन सेम थिंग बच्चे, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे इट विल बी के एफ इंटू मोलैलिटी. अब के एफ अलग हो गया, ये के एफ है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम क्या है इसका, नाम थोड़ा इजी है, इसका नाम उतना मुश्किल नहीं है. अदर नेम इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट. ठीक है, यूनिट सेम हो जाएंगी बच्चे, केल्विन केजी पर मोल एज वी डिड फॉर प्रीवियस थिंग. ठीक है, अब अच्छा के एफ और के बी क्या है बच्चे, के एफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होगी, समझ गए, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सिमिलरली के बी जो था, के बी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, चलिए, हाय सोहम, आई एम गुड बच्चे, मैं एकदम बढ़िया, ओके, ये आप चीज निकाल सकते हो, ये तो मैंने अभी आपको करके दिखाया था, मोलालिटी की वैल्यू पुट कर देनी है, मोलालिटी होगी W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000. ठीक है, तो डेल्टा टी एफ में पुट कर दो के एफ इंटू एम, पुट दिस वैल्यू हेयर, यू विल बी गेटिंग दैट इक्वेशन. ठीक है, ओके, नाउ दीज आर द वैल्यूज बच्चे, ये थर्मोडाइनमिकल डेटा से आई है, तो इनका हम डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना, सिलेबस में ही नहीं है, इवन जेई नीट के लिए भी नहीं होता. ठीक है, थर्मोडाइनेमिकली वी हैव डिराइव्ड दीज थिंग्स. अगर आपको के एफ निकालना है, के एफ सॉल्वेंट के लिए होता है ना, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, सो के एफ विल बी इक्वल्स टू आर इंटू एम वन, मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय टी नॉट एफ स्क्वायर, सॉरी यहां पर है ना टी नॉट एफ स्क्वायर, तो यहां पर है,
ठीक है, टी नॉट एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, सो यहां से इस इक्वेशन को यूज करके यू कैन कैलकुलेट के एफ, एंड ये वाली इक्वेशन को यूज करके यू कैन कैलकुलेट वॉट, के बी। ठीक है, के बी यूज कर लेना। ये ध्यान रखना, ये जो है ये मॉलिक्यूलर मास किसका है, सॉल्वेंट का, क्योंकि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सो इफ टी बी इज गिवन, टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब टी बी नॉट है ये, टी बी नॉट। ठीक है, और यहां पर भी ये टी एफ नॉट है इसका मतलब। ठीक है, के एफ के भी निकाल सकते हो। यस 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 यस, मेंटिंग इज देयर, मेंटिंग के लिए सेंटिलियन रहना बस आप लोग। चलो मेंटिंग करना है अभी, रेडी, फिर होमवर्क बताती हूँ मैं। ठीक है, एवरीबडी रेडी, एवरीबडी रेडी, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आई एम टेलिंग यू द कोड, आ जाओ फटाफट, इट्स www.menti.com एंड द कोड इज 1825560, 1825560। नहीं सोहम, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, आई लव टीचिंग एंड दैट्स व्हाट आई डू। ठीक है, जो मेरे को बेस्ट करना आता है वो मैं कर रही हूँ। ओके, एवरीबडी हैज यूज द कोड, चूज, देख लिया है कोड 1825560, स्टार्ट करें, शुरू करें। वन एट टू फाइव फाइव सिक्स जीरो, जल्दी से आ जाओ सब लोग और अपना लोगो चूज कर लो। बनी वी हैव, देन वी हैव अ ट्रक, देन वी हैव स्ट्रॉबेरी। हाँ यस यस यस, मेरे को ना उल्टा लगता है सोहम, मेरे को उल्टा लगता है बच्चे कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे तो उनका कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी हम यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। That is what I feel. ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करें अभी। Everybody is here? Okay, so here we go. Very first question, answer fast to get more points. जल्दी से आंसर करना है ध्यान से। The addition of solute to solvent डैश इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बच्चे वो डैश है, ठीक है, लास्ट टाइम गलती हो गई थी। द एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट डैश इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लोअर्स, डिमिनिशेस, रेजेस, बिकम जीरो। केयरफुल केयरफुल केयरफुल, गलत नहीं करना किसी ने भी, अरे जल्दी से कर दो, जल्दी से, टाइम इज अप, टाइम इज अप, 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम अप, एवरीबडी हैज वोटेड, वेरी गुड वेरी गुड। ये ना बच्चे, ये जो पांच और एक छह और एक जो दो सात लोग है ना, इन्होंने सेशन सुना नहीं बच्चे, सिर्फ मेंटी पे ध्यान मत दिया करो यार, सेशन सुनना भी जरूरी है, तभी मेंटी होगा सही से। ठीक है, लॉन्ग टर्म सोचो बच्चे, लॉन्ग टर्म पेपर में काम आएगा ये सब। ठीक है, सो 6, इट इज द एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, सॉरी 5 पीपल आर करेक्ट, द एडिशन ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, रेजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड परमार, सेकेंड क्वेश्चन, हेयर इट कम्स। मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो नोन एज, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, रिमेंबर दैट टंग ट्विस्टर थिंग दैट आई वॉज टेलिंग यू, लेट मी टेक रीड आउट द नेम्स, इट्स एब्यूलियोस्कोपिक, एबेलकोपिक, क्रायोस्कोपिक, क्रेस्कोपिक। सिद्धार्थ नो, डू नॉट आंसर हेयर, ओम सिद्धार्थ, गलत बात गलत बात, आप अपने पॉइंट्स दे रहे हो किसी को इसका मतलब। वेरी गुड वेरी गुड, 6 स्टूडेंट्स करेक्ट, वेल डन, इट्स एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट है, ए हो जाएगा, वेल डन वेल डन वेल डन, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, तभी मैंने बोला था सेशन सुना करो ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन व्हाट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नन ऑफ द अबव. इट्स ओके ओम. नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नन ऑफ द अबव. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या हाँ, दिस इज व्हाट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही है बच्चे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन. चलिए आगे चलते हैं. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. Okay, the vapor pressure of the solution dash when the concentration of solute increases. The vapor pressure of the solution what when the concentration of solute increases? Answer karna. Jaise hi sardi aati hai, my cold starts. So I have started getting cold again. Okay, it decreases. Yeah, exactly. Very good. The vapor pressure of the solution decreases when the concentration of solute increases. ठीक है, जैसे जैसे solute की concentration बढ़ेगी, vapor pressure कम हो जाएगा. Well done, well done, well done. चलिए last question of the day. Very good. The depression of boiling point is not a colligative property. False, can't say, true, none of the options are correct. ऐसा है, ऐसा नहीं है, या कुछ भी नहीं है. Again, it's easy. True, it's true, it's true. Depression of boiling point. अच्छा, it's depression of boiling point. Okay, depression in boiling point नहीं होता ना बच्चे. Okay, मेरे को लगा freezing point है. ठीक है, डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इट इज एंड इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज नॉट हैपनिंग. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हैपेंस व्हेन यू ऐड सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट, राइट. ठीक है, चलो नाउ वी गो टू द लीडर बोर्ड. लेट्स हैव द लीडर बोर्ड. ओके, द वेरी फर्स्ट पोजिशन इज पर्ल. वेरी गुड पर्ल. देन वी हैव स्वाति, देन सिद्धार्थ, देन ओमकार, इशिता, सुरभि, दिव्या, महक, Lol, Saima. Well done, Pearl. Very good, very good. Congratulations. Well done. Hello, Ishu. Very good, bache. Then that's very good. Jab 9th, 10th ke bache aate hain na, achha perform karte hain. I really like it. Very good, yaar. Well done, well done, well done. Very good, Siddharth. Then why are you crying, Omkar? You are in the leaderboard. Why are you crying then? Sab log, haan, sab log ab yehi bolenge. Chalo, sahi hai. So I have more students from 9th and 10th. Aisa hai kya? Chalo, moving back. Now it's time for the homework. Ab homework ki bari. Homework mein kya karna hai bache? We have almost completed this chapter. Ek do cheeze bachi hai bas. Ek topic bacha hai bas, hai na? Osmotic pressure. Just one topic is left. Kyunki rest of the topics they have been deleted from the CBSE syllabus. So we are left with only one topic, that's called osmotic pressure. ठीक है, तो रिवीजन कर लेना एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, स्पेशली दिस क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस. ठीक है, एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़ दो, बाकी सब क्वेश्चंस कर लो और डिलीटेड पोर्शन भी छोड़ देना. ठीक है, ऑफकोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं करना अभी, देन उसके अलावा बाकी सब कर लो. ठीक है, चलो नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, इसको अटेम्प्ट कर लेना एंड लीव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ठीक है, देखते हैं कौन जल्दी जल्दी आंसर करता है. अ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज दिस फ्रीजिंग पॉइंट. कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना. ओके, सो डेल्टा टीएफ निकाल लेना, मोलालिटी, एंड यू डू इट ऑन योर ओन. ठीक है, ओके. सो अबाउट दैट प्रो सब्सक्रिप्शन आई टोल्ड यू बच्चे, लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक, चूज योर क्लास and get enrolled in this amazing subscription जिसके बहुत सारे amazing features हैं, that is called pro subscription. ठीक है, and use the coupon code SAPRO. Do not forget using this coupon code. ठीक है, okay. So एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इसके pro subscription के जो features हैं क्या हैं. All the live classes, सारी live classes होंगी, कोई भी recorded नहीं होगी. ठीक है,
डाउट सॉल्व करने बहुत जरूरी है. देखो डाउट सॉल्व करने के लिए वी हैव अ नंबर ऑफ टीचर्स इन द क्लास, मास्टर टीचर, क्लास टीचर्स. ठीक है, घर से आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. सारे सब्जेक्ट डिटेल में कराए जाएंगे, यहाँ पर ही हम डिटेल में कर रहे हैं इतना. ठीक है, इंग्लिश हिंदी ऑप्शन है आपके पास, हिंग्लिश का भी ऑप्शन है इवन. ठीक है, हिंग्लिश बहुत सारे लोग चाहते हैं ना हिंग्लिश, तो उसका भी ऑप्शन है. ठीक है, माइक्रो कोर्स का मतलब है चैप्टर वाइज कोर्स एंड अ नंबर ऑफ क्रैश कोर्स कीप रनिंग. ठीक है, चैप्टर वाइज मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, अलोंग विद द मेन कोर्स यू हैव चैप्टर वाइज कोर्सेज आल्सो. ठीक है, तो चैप्टर वाइज कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो. वेरी गुड पुनीता, वेरी गुड पुनीता, वेल डन वेल डन. ओके, सो दैट्स माय शेड्यूल पीपल. आई वुड से डू नॉट मिस एनी सेशन. क्लास 11 के लिए इट्स मंडे वेंसडे फ्राइडे, एंड क्लास 12 के लिए इट्स ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे. ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे. ठीक है पीपल. ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसने अभी तक नहीं किया है ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन इट. क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन इट. पीडीएफ में वहीं पे भेजूंगी अभी, तो इसको ज्वाइन कर लेना. एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन. ठीक है, सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे. ठीक है, एक और सेशन करेंगे सॉल्यूशन पे, देन अ सरप्राइज, देन विल मूविंग ऑन टू द न्यू टॉपिक. ठीक है, चलो बाय 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 एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर.